चीज। बिल्कुल और क्या सबूत है, बहुत मेहनत का काम है भाई। No, don't do that. No. No. Kala. Naughty, naughty, Evie. Can't wait to show you. Lunch का काम हो गया है, Evie मैडम हमारे। Hi everyone, namaskar, salam, satri akal, welcome back to Deep Soul and One channel. I hope you all are doing really well. ये वीडियो है लास्ट संडे का और वर्क पे थोड़ा सा बिजी हो गया था, इस वजह से ये वीडियो एडिट करके मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। इस वीक वीडियोस में भी गैप रहा है अगर आपने नोट किया हो तो। सुबह का टाइम है और अग्नी मैडम हमारी नहा धो के प्रिंसेस बन के रेडी है। कॉम्ब उन्होंने नहीं कराया है और कॉम्ब से वो बहुत पीछे भागती है। उसके बाल जैसे ही मैं कानों के पीछे करती हूँ कि उसकी आंख पे ना आए, वो झटक झटक के और सामने करती है। हेयर पिन हुआ, हेयर बैंड हुआ तो वो मैडम लगवाती नहीं है, कभी मूड ही हो गया तो बात अलग है। तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है मेरा दिन का, उसके बाल बनाने, उसकी पोनी टेल करनी ताकि जो उसके बाल है वो आंखों पे ना आए। अदवी का एक पुराना टॉय हाउस था, उसके साथ वो खेल रही थी। वाइट्स आज मैंने वॉश किए थे, जो रोप पे आए वो मैंने रोप पे डाल दिए थे, बाकी मैंने स्टैंड पे लगा दिए। नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकले हैं इंडियन शॉप के लिए। बहुत सारा सामान आना था, पैंट्री मेरी ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुकी है। जनवरी में हम लोग गए थे इंडियन शॉप, तब सारी दालें वगैरह आई थी। उसके बाद नॉर्मल जो टेस्को मॉरिसन से ग्रोसरी आती है वही, बट कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जो इंडियन शॉप से ही आती हैं। तो अभी पिछले एक महीने से मैंने अपनी पैंट्री के सारे जार्स जो हैं वो अच्छे से वॉश करके और उनको सेट किया है और अब सारी ग्रोसरी कलेक्ट करके मैं उसको रिफिल करने वाली हूँ। एट द मोमेंट घर में सिर्फ मूंग और मसूर की दाल बची हुई है, बाकी और कोई भी दाल नहीं है। तो हम लोग आए थे ओजमैन एक्स्ट्रा। यहाँ पे जो है आपको कॉन्टिनेंटल सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं, चाइनीज़ बहुत सारी हैं, इंडियन भी मिल जाता है, एशियन और अरबिक, बहुत बड़ा ये सुपरमार्केट है और शेफल में आई थिंक काफ़ी बड़ा इनका ये स्टोर है। तो यहाँ से की हमने ढेर सारी शॉपिंग और फिर चले घर की तरफ। कांट वेट टू शो यू। लंच का काम हो गया है, ईवी मैडम हमारी सो गई हैं, सब रिलैक्स कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा टचअप करके ऊपर आके बैठी हूँ ताकि आपको ये कुछ गिफ्ट आइटम्स मैं दिखा सकूँ। सिया फैशन की तरफ से मुझे पीआर पैकेज में 3 आउटफिट रिसीव हुए हैं, तीनों ही बहुत ब्यूटिफुल हैं और you know, किसी भी ओकेजन के लिए परफेक्ट है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक सभी के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ कि सिया फैशन एक ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर है, वेबसाइट है जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल, इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न हर तरह के आउटफिट मिल जाएंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए। इंडिया में इनकी शिपिंग फ्री है, कुछ सिलेक्टेड पिन कोड्स पे कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। इंटरनेशनल शिपिंग, अगर $149 से ऊपर का आपका ऑर्डर जाता है तो इंटरनेशनल शिपिंग भी फ्री हो जाएगी, अदरवाइज वेट के अकॉर्डिंग इनके शिपिंग चार्जेस होते हैं। और अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी होती है, तो आप जिस भी कंट्री में हैं $149 को अपनी कंट्री की करेंसी से कन्वर्ट करके देख लें तो उतने तक का थ्रेशोल्ड है कि उतना और उससे ऊपर का अगर आपका ऑर्डर बैठता है तो शिपिंग आपको फ्री मिल जाएगी। और कस्टमाइज्ड स्टिचिंग भी अवेलेबल है, लाइक फैब्रिक अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपना सूट सिलवा सकते हैं, या फिर आप साड़ी ले रहे हैं तो ब्लाउज उसका सिलवा सकते हैं, पेटीकोट के साथ चाहिए, फॉल वगैरह अगर आपको लगवाना है तो सारी ही फैसिलिटीज़ इनके पास अवेलेबल हैं। जब आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, कस्टमाइज स्टिचिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे एक वर्चुअल टेलर जो है वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जिसमें आपको इंच टेप लेके अपने आप को मेजर करके उनको भेजना होता है और मेजरमेंट के हिसाब से ही आपका जो कपड़ा है वो सिल के आपके पास आ जाता है। तो यस, ये थोड़ी सी जानकारी थी सिया फैशन के बारे में। अब मैं आपको दिखा देती हूँ आउटफिट। तो सबसे पहला तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल
वाइट कलर का जॉर्जेट का शलवार कमीज है, ये एक्चुअली फैब्रिक है और मैंने मेजरमेंट दी थी और ये इन्होंने सिलवा के भेजा है। और इसके ऊपर ना जो लपेटे वाली चेन वाली जो कढ़ाई होती है ना वो है, बहुत ही सुंदर है ये वाला, अस्तर वगैरह सब इन्होंने लगा के भेजा है। और दुपट्टा देखो, इसका दुपट्टा बहुत सुंदर है। जो बॉटम है ना, मैं ट्राई ऑन पार्ट ना इधर की तरफ डाल दूंगी, जो बॉटम है इसकी वो प्लेन है। तो ये देखिए कितना सुंदर है ना, कितना एलिगेंट ये लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा है। कढ़ाई जो है वो बहुत ही नीट है इसकी। अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, मेरी जो हाइट है वो 5'4" है और ये जैसे कि इसमें गले का पैटर्न है और नीचे दामन पे भी डिज़ाइन है इसमें, तो आप देख लेना कि मेरी हाइट के हिसाब से ये कहाँ तक आ रहा है। तो क्योंकि ये एक फिक्स लेंथ है जो ये गले का डिज़ाइन है और नीचे का, तो ये चेंज नहीं होगी, तो आपको अपनी हाइट के हिसाब से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ये कितना नीचा या कितना ऊँचा आएगा। तो मैंने अपनी हाइट आपको बता दिया, बाकी ट्राई ऑन पार्ट में आप इधर देख लेना। जो इसकी बॉटम है वो प्लेन है और ये इस तरह का है कि इसके नीचे ब्लैक लेगिंग भी चल जाएगी या ब्लैक पैंट भी चल जाएगी। तो मैंने इसकी ना अफगानी सलवार बनाई है, जो मैं किसी और कपड़े के साथ भी मिक्स मैच कर सकती हूँ। ब्लैक कुर्ती है मेरी एक शॉर्ट, उसके साथ अफगानी सलवार जो है वो बहुत अच्छी जाती है। तो यू नो, आप इस तरीके से भी अपने जो आउटफिट है ना वो इस तरह से स्टिच कराएं कि वो एक दूसरे के साथ फिट हो जाए। जैसे ये वाली कुर्ती है, ये ब्लैक के साथ बहुत अच्छे से जाएगी और जो इसकी मैंने सलवार बनाई है वो किसी भी ब्लैक ब्लू यू नो वाइट कलर है तो किसी के साथ भी चलता है। और ये दुपट्टा, ये आप किसी के भी साथ ले सकते हो हर आउटफिट पे, यू नो प्लेन के साथ तो ये बहुत ही अच्छा जाएगा। सो आई एम इन लव विद दिस वन, बहुत ही अच्छा, और समर के हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट ही है। तो खैर, मैं बिल्कुल कुर्ती वाले ही लुक में हूँ तो दुपट्टा भी नहीं ले रही हूँ, साथ में रखती हूँ इधर। अच्छा जी, पहला आउटफिट ये हो गया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा जो आउटफिट है वो है बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी। पहले जो है मैं उसकी एक्सेसरीज इधर रख लेती हूँ और साड़ी आपको मैं दिखाती हूँ। ब्लैक कलर की और सेटन सिल्क ये वाली साड़ी है। ऑलमोस्ट जो है ये प्लेन है इस तरह से, ये नीचे वाला पार्ट है और बिल्कुल नीचे की तरफ ना इसमें ये हल्का हल्का सा ना सेल्फ में ही वर्क है। और जो इसका बॉर्डर है ये देखो कितना सुंदर है, और मैंने अच्छे से ये करके देखा है, ये कुछ भी चुभने वाला नहीं है। और जो डिज़ाइन है ना वो भी इसी तरह से कटवर वाला है पूरा का पूरा। तो जो साड़ी है पूरे पे ही आपको इसी तरह का ये वर्क मिलेगा, ये देखो पूरी पे। और जब ये पल्लू की तरफ आएगी तो ये जो डिज़ाइन है ये ऊपर तक आ जाएगा। तो ये है हमारा पल्लू, जो ये सेल्फ वाला मैं बोल रही थी ना कि ब्लैक बीड्स का ही जो काम है ये ऊपर तक है, तो ये आ जाएगा हमारा पल्लू। इतनी सुंदर साड़ी है ये, आई होप मैं अच्छे से दिखा रही हूँ, बाकी ट्राई ऑन पार्ट में आपको अच्छे से दिख जाएगी। लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी आपको ये दिख ही जाएगा। और ये नीचे वाली पट्टी जो ऊपर आएगी ना पट्टी, वो थोड़ी सी बारीक है, इस तरह से ऊपर वाली, यहाँ से जब प्लीट्स के बाद से चलता है ना पल्लू के लिए, तो ये ऐसे है। तो बहुत सॉफ्ट सी साड़ी है। हाँ, एम्ब्रॉयडरी जो ये आई थिंक ये ऊपर से लगी हुई है इस पर, आई डोंट थिंक सो कि ये हाँ ये ऊपर से लगी हुई, जैसे लेस वगैरह लगाते हैं ना, ये इस तरह से लगी हुई है, तो इसकी वजह से ये जो साड़ी है वो हैवी हो जाती है। बाकी जो ये कपड़ा है ये बहुत सॉफ्ट है, जैसे आप पेटीकोट के अंदर टक करेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कुछ भी चुभने वाला नहीं है, बहुत सॉफ्ट रहेगा आपकी स्किन के लिए। तो यस, दिस इज़ द साड़ी। और इस साड़ी में आई थिंक और कलर्स भी अवेलेबल हैं, सो यू कैन चेक आउट। अब चलते हैं हम इसके ब्लाउज की तरफ। तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही बनवाया है जैसा कि मॉडल ने पहना हुआ था। तो ये ब्लाउज है स्ट्रैप वाला, मॉडल की जो स्ट्रैप्स थी वो बहुत ही बारीक थी, तो मैंने उनसे कहा था कि मेरी 1 इंच की कर देना, तो उन्होंने 1 इंच की, तो आप अपने हिसाब से करा सकते हैं फैब्रिक। और भी अगर आपको बाजू लगवानी हो तो आप बाजू भी लगवा सकते हैं। बाकी इसके साथ केप भी है तो आप केप के साथ इसको पहन सकते हैं, इन केस यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ यू नो बाजू और स्ट्रैप्स के साथ। बाकी फ्रंट में जो है ये पूरा ये लेस वाला ही इसका डिज़ाइन है जो फ्रंट का आएगा, और बैक इसकी इस तरह से है। और आई थिंक इसमें साइड में जिप है एक तरफ, यस, जिससे आप इसको पहनेंगे। हाँ जी, तो इससे आप इसको बहुत ही आसानी से
पहन पाएंगे और पहनने के बाद ये साड़ी बहुत सुंदर लगने वाली है. अगेन आई विल से आई कांट वेट टू ट्राई इट ऑन. ओके, ये है इसकी केप. इस तरह से जब मैं पहनूंगी तब आपको ये दिख जाएगी. नीचे इसमें ये ना लेस सी लगी हुई है जो बिल्कुल फ्रिल की तरह लगती है, तो बहुत सुंदर है. इवन तो यू नो जैसे फेयरवेल वगैरह पार्टी भी होती है ना, तो लड़कियों के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा है. बाकी पार्टी वेयर तो है, रिसेप्शन वगैरह के लिए ये बहुत सही रहेगी. तो सुंदर सा ये केप है इसके साथ. और एक चीज मैंने इस बार नई ट्राई करी है, मैंने जो पेटीकोट मंगवाया है वो जो आजकल शेप वेयर चल रहा है ना उस तरीके का मैंने मंगवाया है. इससे जो इस तरह की साड़ी होती है ना, जो कपड़ा चिपका चिपका सा होता है थोड़ा सा, जो बॉडी हगिंग होता है, तो उसमें सिल्क की साड़ी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह की जो साड़ी होती है अगर इनमें वो कॉटन वाला पेटीकोट पहनो ना तो बहुत फूला फूला सा लगता है. तो आई जस्ट थॉट कि चलो ये ट्राई करते हैं. तो ये मैंने मंगवाया है और इसमें ना साइड में ये चाक है. आई थिंक आप में से बहुत से लोग यूज भी कर रहे होंगे, आपको पता होगा. और आई एम श्योर ये अच्छे से वर्क करेगा क्योंकि इसमें ऊपर मुझे ऊपर का ही था कि कहीं इलास्टिक वगैरह तो नहीं आती. इसमें है इलास्टिक भी, बट आप टाइट कर सकते हो तो आपकी साड़ी कहीं इधर से उधर नहीं जाएगी. बाकी जब मैं पहनूंगी आगे चल के किसी वीडियो में आपको प्रॉपर रिव्यू दूंगी कि ये वाले पेटीकोट लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अब तक तो मेरे पास सारे ही वो कॉटन वाले थे. ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ. तो यस, सेकेंड आउटफिट दिस ब्लैक साड़ी, आई लव इट. और जो तीसरा आउटफिट है इसको तो आप बोलोगे कि हाय दीपिका कितना सुंदर है. तो यस, ये है ऑर्गेन्जा शिफोन का शलवार कमीज. कलर देखो, और ये कलर ने जो है वो कैमरा पे आके गड़बड़ कर दी, इसने ब्लूश दिखा दिया है. ये जो सेज ग्रीन होता है ना, ये वो वाला रंग है. ओ माय गॉड, ये कैमरा ने गड़बड़ करी है, दिल तोड़ दिया. खैर, लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इसका एग्जैक्ट कलर मिल जाएगा. फोटो है मेरे पास, मैं फोटो दिखाती हूँ आपको. ओके, तो इसके ऊपर ना स्वरोस्की वाला वर्क है. कलर जो कैमरा में आ रहा है बिल्कुल भी ये नहीं है, ब्लूइश सा आ रहा है, जैसे स्कूल वाला वो होता था ना सूट, वो वाला कलर आ रहा है, बट वो नहीं है, ये ग्रीनिश है. और पूरे पे ही इसमें इसी तरह से ये वर्क है. और नीचे की तरफ ये पल्लू पे भी, पल्ला ही बोलते हैं इसको, इसके ऊपर भी स्वरोस्की वाला ऐसे वर्क है. और धूप आ रही है सामने खिड़की से. पूरी इसकी बाजू है, अगेन ये भी फैब्रिक था, ये भी स्टिच होके आया है. मैंने मॉडल के जैसा ही बनवाया. बाकी बाजू जो है आप विदाउट स्लीव्स भी बनवा सकते हैं, छोटी भी बनवा सकते हैं, क्वार्टर जैसी आप चाहें आप बता दें टेलर को. पीछे की तरफ इसमें जिप लगी हुई है और अच्छी खासी इसकी लेंथ है. आई थिंक इसकी जो लेंथ है वो इस वाले कुर्ते से ज़्यादा है. और ये इसकी बॉटम है, ये मैंने जो है वो पैंट स्टाइल में बनवाई है. आप अपने हिसाब से पैंट चूड़ीदार जो भी आप चाहें वो बनवा सकते हैं. सो दिस वन. और दुपट्टा इसका बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. ये देखो, पूरे पे इसी तरह से वर्क है और शिफॉन बिल्कुल ढलकी ढलकी सी ना, बहुत ही सुंदर लग रही है. किनारों पे ये जो है वो टैसल लगी हुई है दोनों तरफ, इस तरह से है. और फुल लेंथ का ये दुपट्टा है. और इस वाले सूट में जो है वो बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं. माय गॉड, तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा. और बिल्कुल ही ना लाइट कलर वाला ये चार्ट है, सारे लाइट कलर्स अवेलेबल हैं इसमें. देखो आप, ये कलर है, ये ग्रेनिश सा कलर, कितना सुंदर लग रहा है ना. और ऐसे में दिखाऊं तो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है कैमरा में ही आ रहा है. वैसे कलर डिफरेंट नहीं है, कलर आपको यही मिलेगा अगर आप बाय करेंगे. और ये इसका कलर चार्ट है, ये सारे कलर्स इस वाले सूट में अवेलेबल हैं. सो यस, बहुत प्रिटी है. इसका मुझे पिंक, ये ना ये वाला भी ऑनियन पिंक जो है वो बहुत पसंद आ रहा था. ये येलो मस्टर्ड, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था. बट ये कलर्स मेरे पास हैं, ये कलर मेरे पास नहीं था. देन आई थॉट कि चलो ये वाला लेते हैं. तो हाँ, मैंने ही चूज करे थे ये आइटम्स. तो यस, ये थे तीन आउटफिट सिया फैशन की तरफ से. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. बाकी ट्राई ऑन पार्ट आपने देख ही लिया. इस तरफ कौन सा आउटफिट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मेरे साथ जरूर शेयर करना. अभी मैं ट्राई ऑन रिकॉर्ड करके थोड़ा सा आराम करती हूँ और फिर जल्दी हूँ काम करने, क्योंकि नीचे जो है वो इंडियन शॉप का टोटल खिलारा बड़ा हुआ है. पर खैर, अभी मुझे ये दिखाने थे क्योंकि अभी आए थे ना, एंड आई वॉज लाइक खोल के देख लूँ, ट्राई ऑन कर लूँ, क्योंकि तीनों चीज़ें ही मेरी पसंद की थी. और अभी शाम का टाइम हो रहा है. पिछले दो दिन से धूप अच्छी निकली हुई थी, घास अच्छे से सूख गई थी, तो बस यहाँ पे लोन मूविंग का काम चल रहा है. समर में एवरी वीक अगर घास नहीं काटे ना, तो ये इतनी ज़्यादा वाइल्ड हो जाती है. और जिनको पोलन हे फीवर रहता है
उनके लिए अगर घर में घास है तो काटना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ पे विकास विंडो के पास आके दिखा रहे थे कि ऐसा नहीं कि इंडिया में ही सबको काम करके पसीने आ रहे हैं या यूके में भी आ ही रहे हैं। तो कुछ 26 से लेके 28 डिग्रीज तक का टेम्परेचर गया था, बट इट फील्स लाइक 35-36 हीयर, क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमिड हो जाता है। ऐसे ही विंटर में होता है कि टेम्परेचर -1 है, बट इट फील्स लाइक -10। तो यहाँ की वेदर फोरकास्ट जब आती है ना तो एग्जैक्ट टेम्परेचर बताते हैं और फील लाइक बताते हैं कि महसूस कैसा आपको होगा। तो खैर विकास जो है वो लोन मूविंग बाहर कर रहे हैं, बस डन होने ही वाली है। और ये है सारी शॉपिंग जो हम इंडियन शॉप से करके लेकर आए हैं। पार्ले जी का एक पैकेट जो है वो ऑलरेडी निकल चुका है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है एंड आई एम लाइक ओके खाओ अच्छा रहता है। लंच में जो है वो मैंने क्विकली तहारी बनाई थी, सॉरी खाली बर्तन सही दिखा रही हूँ, इतनी सी बची हुई है, हम सब खा चुके हैं। और ये शाम की जो है यहाँ पे चाय बनने लग रही है। चाय हम लोगों ने पी और इसके बाद मैंने ये रिकॉर्डिंग शुरू करी नेक्स्ट डे। उस दिन मैंने सोचा था शाम को कि सारी चीजें मैं लगाऊंगी, क्योंकि जो नॉर्मल वीकली ग्रोसरी होती है विकास फिर वो भी करके लेकर आए थे, बट वो ना थकान सी होने लगी है। आई फील कि मुझे भी वीक में एक ही दिन मिलता है छुट्टी का, तो चलो मैं भी रिलैक्स कर लेती हूँ। तो शाम को फिर इन्होंने पिज्ज़ा बेक कर दिया था, हमने पिज्ज़ा खाया और साथ में हमने मूवी इंजॉय करी और बस फिर काम ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अभी नेक्स्ट डे दोपहर का ही टाइम है, मुझे लंच भी बनाना है, साथ साथ में ये ग्रोसरी भी अरेंज करूंगी। तो फिलहाल जो वेजिटेबल्स हैं मैं उनको सॉर्ट करने वाली हूँ, लाइक जो फ्रेश प्रोड्यूस होता है। और जो चीज़ें कल फ्रिज में जानी थी ना वो मैंने फ्रिज में रख दी थी, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह, बाकी जो है वो ग्रोसरी जो नॉर्मल होती है वो बाहर ही रख छोड़ी है। तो स्टेप बाय स्टेप आज का मैं काम करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा रीफिलिंग का काम करना है। तो जो फ्रेश प्रोड्यूस है वो मैं आज करूँगी, क्योंकि ऑफिस का काम भी होता है और घर के जो नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं वो तो हैं ही। और जो चीज़ें मुझे रीफिल करनी है वो मैं अगले एक दो दिन में देखूंगी, या फिर अगर मुझे नहीं टाइम मिला तो मैं इनको स्टोर रूम में रख दूंगी और मैं फिर नेक्स्ट वीकेंड पे इनको करने वाली हूँ। तो लेट्स सी कैसे मेरा जो है वो दिन जाता है। कई बार ये होता है कि वर्क में बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है, पढ़ाई लिखाई का काम बहुत रहता है तो थकान होने लगती है मेंटली और फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। तो यस, यहाँ पे जो है मैंने फ्रेश प्रोड्यूस एक तरफ रख दिया है और जो बॉक्स टू ग्रोसरी है जो रिफिल होनी है वो मैंने एक तरफ कर दी है और इन चीज़ों को अब मैं लगाना शुरू करूंगी। तो जो बेकरी के कुछ एक आइटम थे विकास, इस बार ना ये रीगल की नान ब्रेड लेकर आए हैं, तीन हैं इसमें और बहुत टाइम पहले हमने खाई थी, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिल्कुल रोटी बनाने का टाइम नहीं होता है और रोटी बनाना दो चार वो सबसे बड़ा तामझाम रहता है सारी चीज़ों का। तो वो ले आए थे कि चलो कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो इनको करके खा लेंगे। इंडियन शॉप से मैं ये दो बड़े बड़े बंच लेकर आई थी धनिया के, और बस इनको खोल के अगर इनके अंदर कोई भी येलो लीफ है या फिर कहीं पर थोड़ा सा वो ब्लैक सा हो जाता है पानी लग के, तो वो सारी चीज़ें मैं एक तरफ निकाल रही हूँ और इसमें से थोड़ा सा धनिया मैं एक तरफ कर लूँगी जो मुझे वेजिटेबल्स में डालना है, और बाकी जो धनिया है उसकी मैं चटनी बनाने वाली हूँ। काफ़ी सारी चटनी बन जाएगी और उसको फिर मैं फ्रीज कर दूंगी। तो वीकडे में कभी भी अगर मन करे कि चलो पापड़ी चाट जो मैं क्रैकर्स के साथ बनाती हूँ, या फिर जैसे कि मैं चना चाट, मोस्टली मेरा डिनर जो है वो प्रोटीन बोल ही होता है, तो उसमें डाल के आपको हरी चटनी दे, तो एकदम से आपको फिर वो मिक्सर ग्राइंडर निकाल के हरा धनिया निकाल के बनाने की वो नहीं होती है। फ्रीजर में मैं रखती हूँ और उसमें फिर ये भी होता है कि खराब होने का डर नहीं है वैसे तो, अप टू 1 वीक जो है वो फ्रिज में भी चल ही जाती है, लेकिन फ्रीजर के अंदर वो ज़्यादा सेफ रहती है और उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बरकरार रहता है। तो धनिया के जो बंच हैं वो मैंने एक तरफ रख दिए हैं साफ करके। इसके साथ ही मैं 3 पैकेट लेकर आई थी करी लीव्स के, और इतना बड़ा जो पैकेट है ना वो आराम से मेरा साल भर निकाल देता है। तो इसको भी प्रिजर्व करने का मैं तरीका आपको बताऊंगी कि मैं कैसे इसको करती हूँ। पहले मैं ड्राई करके रखती थी बट अब मैं फ्रेश ही इनको सेव करती हूँ। तो पत्ते मैंने सारे निकाल लिए हैं स्टेम्स में से और अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से वॉश करूंगी। तो धनिया की जो मैं चटनी बनाती हूँ ना, आई मेक श्योर कि उसमें मैं सारी स्टेम्स यूज़ करूँ, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा फ्लेवर होता है और वाटर कंटेंट भी इनमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको चटनी के अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पीसने के लिए, अगर आप बहुत सारी डंडियाँ डालें तो।
करी लीव्स बहुत ही ज्यादा फ्रेश थे, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, और जिस टाइम मैं वॉश कर रही थी, इवन दो इनको स्टेम्स पे निकाल रही थी ना, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और फ्रेश करी लीव्स का जो टेस्ट होता है, जो खुशबू होती है, वो अलग ही रहती है। तो दोनों चीजें मैंने अच्छे से वॉश कर ली हैं और इसके बाद मैंने इसको सैलड स्पिनर में डाला है। और इसमें ना सबसे ज्यादा पानी निकालने का जो तरीका है कि आप दो बार इसको एक क्लॉकवाइज घुमाएं, दो बार इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो उसे जितना भी वाटर होता है ना वो सारा निकल आता है। तो ये देखिए इतना पानी इसमें से निकल आया है। बाकी धनिया में से बहुत ज्यादा मुझे पानी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मुझे इसकी चटनी बनानी है, तो थोड़ा बहुत पानी तो इसके अंदर जाएगा ही जाएगा। पानी जो मुझे कम्प्लीटली रिमूव करना है वो है करी लीव्स के अंदर से, क्योंकि उसको फिर मुझे अच्छे से सुखा के प्रिजर्व करना है। तो यहाँ पे जो हमारा धनिया है इसको मैं चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लूंगी और इसको मैं जब चटनी बनाऊंगी ना तो थोड़ा सा चॉप करूंगी, उससे फिर आपका जो मिक्सर ग्राइंडर होता है वो आसानी से रन होता है। तो यहाँ पे जो हमारे करी लीव्स थे इसको भी मैंने सैलड स्पिनर में डाला है और इसको मैं अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल राउंड राउंड घुमा के और इसका सारा पानी निकाल लूंगी। अच्छा, जो ये सैलड स्पिनर होता है ना, इट इज मस्ट हैव इन द किचन। किसी भी हर्ब को या फिर जैसे लेटस आप सैलड में खाते हैं ना उसको वॉश करके, तो कई बार ना उसमें फिर पानी रह जाता है, तो इट इज मस्ट। और बेरीज वगैरह हुई, कुछ भी चीजें, उनका पानी निकाल के और स्टोर करने के लिए बहुत अच्छा है। मैंने ये मॉरिसन से लिया था, बाकी ऑनलाइन और आइकिया पे भी ये अवेलेबल है। इसके बाद जो ये करी लीव्स थे ना, इनको मैंने इस तरह से टॉवल के ऊपर और बिछा दिया है। कोशिश करी है कि सिंगल लेयर ही करूं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करूं, और इनको ना किसी हवा वाली जगह पे आप रख दें, धूप में रखने की जरूरत नहीं है। आजकल तो गर्मी इतनी है कि हवा वाली जगह पे भी ना रखें तो भी 10-5 मिनट में ये बिल्कुल फरेरे से हो जाएंगे। तो मैंने जो है वो किचन के दरवाजे के पास रख दिया, दरवाजा खुला हुआ है तो हल्की सी हवा लग के वो हो जाएगा। अच्छा, भिंडी भी लेकर आए थे, इंडियन शॉप्स जाते हैं तो भिंडी आती है, अदरवाइज फ्रोजन ही हमें बनानी होती है। तो जब जनवरी में गए थे तब भी मैं भिंडी लाई थी और आज भी लाई हूँ, तो इसको भी मैंने वॉश करके रख दिया है। आज के लंच में मैं भिंडी मसाला बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे जो मेरा ये फ्रूट बास्केट था ये भी मैंने वॉश करके रखा था, तो सारे फ्रूट्स भी खत्म हो रहे थे तो वो भी अभी मैं लगाने वाली हूँ। तो फ्रूट्स जो हैं, बेरीज वगैरह, वो ऑलरेडी फ्रिज के अंदर है और उनको मैं एज इट इज ही पैकेट में रहने दूंगी, उनको मैं नहीं निकाल रही हूँ। जब खानी होती है तब मैं उसमें से निकाल के वॉश करके बच्चों को दे देती हूँ या फिर खुद भी खानी होती है। सेम फ्रूट्स जितने भी हैं उन किसी को भी मैं वॉश नहीं कर रही हूँ, जैसे टमाटर है इनको भी मैं वॉश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कंज्यूम करने से पहले या कुकिंग करने से पहले फिर से मुझे सारी चीजें वॉश करनी होती है, तो पानी भी सेव हो जाता है। बाकी एंटायरली अप टू यू, अगर आप जैसे कोविड के टाइम पे तो सारी चीजें ही वॉश करके रखी जाती थी, हम भी करते थे, कितना काम पड़ता था। अगर आप वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं देन हैट्स ऑफ टू यू, बट मैं थोड़ा टाइम सेव करती हूँ और फिर ये भी होता है कि कुकिंग से पहले सारी चीजें फिर से वॉश करनी होती है और खाने से पहले फिर से वॉश होती हैं, तो मैं पहले से वॉश करके नहीं रखती हूँ, मैं ऐसे ही अपने फ्रिज में उनको क्लीन करके रख देती हूँ। लाइक वाइप कर दिया, या फिर अगर कुछ मड है और जैसे मूली है, मूली के ऊपर अगर कुछ लगा हुआ है तो फिर मैं वॉश कर देती हूँ, बट अगर क्लीन वेजिटेबल्स हैं देन आई जस्ट लीव इट। अच्छा, इंडियन शॉप से ये रॉ मैंगो भी मैं लेकर आई हूँ और एक कच्चा केला भी लेकर आई हूँ, तो इनकी भी सब्जी आपको बहुत जल्दी चैनल पे देखने को मिलेगी। बाकी जो ग्रोसरी है वो आप देख ही रहे हैं, कैरेट है, क्यूकम्बर आया है, जिंजर है, लेमन है, और जुकीनी जो है वो ऑलरेडी रखी हुई थी तो इस हफ्ते जो है मैंने नहीं मंगवाई थी, तो ये सारी वेजिटेबल्स हैं। और इसके अलावा रूट वेजिटेबल भी हम लेकर आए हैं तो वो आगे मैं आपको दिखा ही दूंगी। तो फ्रिज जो है वो मेरा सेट हो गया है अच्छे से, और इसके बाद जो है वो बारी आती है ये अनियन और पोटैटोज इन सब को स्टोर करने की। तो मेरे पास ना एक ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर है विकर बास्केट्स का, तो इसके अंदर मैं रखती हूँ और इनको मैं रखती हूँ स्टोर रूम में। स्टोर रूम जो है ना मेरा वो कोल्ड है, तो जो पोटैटोज हैं वो स्प्राउट नहीं होते, इवन दो अनियन और पोटैटोज दोनों मैं एक साथ ही स्टोर करके रखती हूँ, बट स्टिल वो कभी स्प्राउट नहीं होते हैं क्योंकि वो कोल्ड और अंधेरी सी जगह है। तो आपके भी किचन में, घर में कोई ऐसी जगह हो ना जहाँ पे आप लाइक कोल्ड स्टोरेज जिसको बोलते हैं, तो आप वहां पे अपने टमाटर प्याज स्टोर करें ना तो वो बिल्कुल सही रहते, इवन दो फॉर मंथ्स वो बिल्कुल सही रहते हैं। हालांकि जितना हम लेकर आते हैं वो विदिन 2 वीक्स कंज्यूम हो ही जाता है। तो जो अनियंस होती है ना, जब मैं उनको स्टोर करती हूँ तो अगर उनका कोई जो रैप होता है, उनका जो पील होता है, अगर वो थोड़ा सा निकल रहा है तो उसको मैं रैपर में ही निकाल देती हूँ और तब मैं उसको स्टोर करती हूँ। जैसे अभी रेड अनियन आप देखेंगे ही,
तो व्हाइट अनियन हम तड़के में यूज करते हैं और रेड अनियन जो है वो हम सैलेड में। तो इनको इस तरह से जो भी इनके ऊपर लूज स्किन होती है वो मैं निकाल के और तब इसको सेव करती हूँ। तो फिर रैपर जो है वो नीचे नहीं आते हैं बहुत ज्यादा आपकी बास्केट में। गार्लिक भी आया है और रूट वेजिटेबल इडोज, ये जो अरबी हैं ये आई हैं, तो अरबी की सब्जी बनने वाली है और गर्मियों में ये बहुत टेस्टी लगती है। जो वो थोड़ा सा धनिया बचा हुआ था उसको अब मैं इस वाले बॉक्स के अंदर स्टोर करूंगी। कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये आपने कहाँ से लिए हैं, तो 3 बॉक्स मैंने यहाँ से लिए थे और कुछ मैं इंडिया से भी लेकर आई थी। तो ये वर्ल्ड वाइड अमेजोन पे अवेलेबल है, आप इस तरह के बॉक्सेस जो हैं वो आराम से सर्च कर सकते हैं। क्रिस्पर बॉक्स इनको बोला जाता है और इस नाम से आप अमेजोन पे ईबे पे आप इनको सर्च कर सकते हैं। इंडिया में है तो आई थिंक फ्लिपकार्ट मीशो सभी जगह अवेलेबल है। ऑल राइट, अब आ जाते हैं धनिया की तरफ। तो धनिया जो है काफी वाइल्ड सा ही हो गया यहाँ पे थोड़ा सा सूखने के बाद, तो इसको मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। रफली ही मैं चॉप कर रही हूँ, बस इस हिसाब से कि जो आपका ब्लेंडर जार होता है, कई बार ना अगर आप लंबी लंबी ये टहनिया डाल देते हैं उसके अंदर तो वो ना फिर ब्लेड के ऊपर फंसने लगती है और वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाता है। तो थोड़ी सी कोशिश करें कि इसको रफली चॉप कर लें, उसके बाद आप इसको ग्राइंडर जार के अंदर डालें। तो आधे से थोड़ा ज्यादा मैंने इसे ग्राइंडर जार में डाल दिया है क्योंकि सारा फिर वो एक साथ होता ना। और बस अब मैं इसको यहाँ पे पीस लूंगी और शुरुआत में मैंने इसमें पानी वगैरह जो है ना वो कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो ये देखिए ये अच्छे से पिस गया था। इसके बाद जो बाकी का धनिया है वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बहुत टाइम हो गया था आपके साथ हरे धनिये की चटनी की रेसिपी शेयर नहीं करी थी, देन आई थॉट कि चलो आज मैं पूरी रेसिपी रिकॉर्ड करके आपको दिखाती हूँ। तो इतने धनिए में जो है वो मैंने 3 हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा लेमन जूस डाला है और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया डेसिकेटेड कोकोनट और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा ऐड करा था, रोस्टेड जीरा। डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करने से ना इसका कलर बरकरार रहता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जब चटनी अच्छे से पिस जाए ना उसके बाद आप इसमें सॉल्ट ऐड करके और फिर इसको एक बार ग्राइंड करें। सॉल्ट जो है वो शुरुआत में ना डालें क्योंकि शुरुआत में हमें लगता है कि चटनी जो है वो बहुत ज्यादा है और कई बार इस चक्कर में हम नमक ज्यादा कर देते हैं उसके अंदर। तो मेरा यही होता है कि जब चटनी जो है वो पिस जाती है उसके बाद फिर मैं उसके अंदर ऐड करती हूँ नमक ताकि मुझे क्वांटिटी का अंदाजा रहे। और कई बार बिल्कुल अगर थोड़े से ही धनिया की मैं चटनी बना रही हूँ जैसे बचा हुआ है तो फिर तो अंदाजा पड़ जाता है कि हाँ चलो ये मुश्किल से जो है वो आधी कटोरी चटनी बनेगी तो ठीक है इसके अंदर इतना सॉल्ट जाएगा। बट अगर मैं बल्क में बना रही होती हूँ तो हमेशा पीस के चटनी और फिर मैं उसमें सॉल्ट डाल के फिर एक बार ग्राइंड करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी ये सिलिकॉन की ट्रे है, इसके अंदर मैंने चटनी को ट्रांसफर कर दिया है, किनारे अच्छे से क्लीन कर दिए हैं और इसको अब मैं फ्रीजर में रख दूंगी। 24 आवर में ये अच्छे से सेट हो जाती है और इसको मैं इसी में रहने देती हूँ। ये वाला जो मेरा है ना सिलिकॉन वाला ट्रे, इसको मैं चटनी के लिए ही यूज करती हूँ। तो जब भी जरूरत होती है बस उसमें से मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसके बाद जो करी पत्ता है ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया था, इसको मैंने जिपलॉक बैग में निकाल लिया है और इसको मैं फ्रीजर के अंदर रख दूंगी। जितना भी जब जरूरत होता है इसके अंदर से पत्ते निकालो और अपनी कुकिंग में यूज कर लो, बेस्ट वे है करी पत्ता को प्रिजर्व करने का। वैसे आप इसको ड्राई करके भी कर सकते हैं बट ये वाला तरीका ज्यादा बेटर है और मुझे बहुत पसंद आ रहा है। वीडियो जो है वो मैंने आगे भी रिकॉर्ड करी थी लंच वगैरह की भी, लेकिन बहुत लंबी हो रही थी इस वजह से फिर मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। तो बस यही कुछ टिप्स थी आज की वीडियो में कि आप किस तरह से करी पत्ता को, हरे धनिये को स्टोर कर सकते हैं, वेजिटेबल स्टोर कर सकते हैं और साथ ही मेरी शॉपिंग। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।